नमस्कार दोस्तों, एक कदम सफलता की ओर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों की जो सीरीज चल रही है मैथ की, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है सुपर 30 की, और ये सीरीज लगातार आपको चलती रहेगी। अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था और आप लोगों को 11वां क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, उसको जो है आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट आंसर जरूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो आज हम अपने उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम इस विषय में अगला जो टॉपिक हमारा है उसमें है कि अगर मान लीजिए कि हमको कोई परिमाण दिया गया, कोई संख्या दी गई रहे, जैसे 10 संख्याओं का औसत इतना है और प्रथम 5 का औसत इतना है, अंतिम 6 का औसत इतना है, तो अगर जो है इस तरह का हमको औसत दिया रहे तो बीच वाली संख्या अगर पूछ ले तो उसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमको कह रहा कि 11 परिमाणों का औसत 50 है, यानी कि 11 परिमाणों का औसत 50 है, तो इसका मतलब दिया गया है हमको क्या कि 11 परिमाणों का औसत कितना है, 50 है। ठीक, अब ये देखेंगे कि 50 के बाद अब ये जो 11 को बांटा गया है किस रूप में बांटा गया है, तो प्रथम 6 और अंतिम 6, यानी कि प्रथम 6 और अंतिम 6, यानी कि 6 और 6 के रूप में बांटा गया है। पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये देखें कि जो हमारा परिणाम बांटा गया है इसको जोड़ने पर क्या इससे कम हो रहा है या इससे ज्यादा हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 6 और 6 यानी कि 12 इससे कम है या ज्यादा है, तो इससे ज्यादा है, यही आपको देखना है कि इसको जोड़ने पर इससे कम आ रहा है या इससे ज्यादा आ रहा है। तो छठा परिणाम बराबर जो औसत दिया गया है औसत रहेगा, उसके बाद अगर इसका योग इससे ज्यादा रहेगा तो ज्यादा का मतलब प्लस, अगर इसका योग इससे कम रहेगा तो यहां माइनस। अगर यही 6 और 6 को लिखा है, यही अगर 6 और 4 होता तो 6 और 4 जोड़ते तो 10 हो जाता, 6 4 10, लेकिन यहां पे 11 होता, इसका मतलब कि इससे कम रहता तो कम रहता, तो यहां माइनस। तो ये जो प्लस है, अगर ज्यादा रहेगा तो प्लस और कम रहेगा तो माइनस, यानी कि इसको इसको जोड़ने पर अगर इससे ज्यादा रहेगा तो वहां क्या आएगा, प्लस आएगा। तो जैसे कह रहा है कि प्रथम 6 परिमाण का औसत 49 है, प्रथम 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत 52 है, अंतिम 6 का औसत 52। ठीक, सबसे पहले ऐसे लिखिए, उसके बाद क्या करेंगे ये देखिए, जो हमारा दिया गया है इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 49 में से 50 घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। क्या किए, 49 यानी कि 49 माइनस 50, 49 में से 50 किए तो क्या आ गया, माइनस 1। उसी तरह यहां करेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 52 माइनस 50, तो 52 में से 50 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो यही चीज है, कैसे हमने माइनस 1 लिखा कैसे 2 लिखा समझ में आया ना, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में यस टाइप कीजिए जल्दी, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में यस टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 49, तो इसका मतलब 6 × -1 करेंगे तो -6, उसी तरह 6 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए, अगर दिया गया दी गई संख्या का योग जो तोड़ा गया है, अगर इसका योग इससे ज्यादा होगा तो इसके अंतर को इसमें जोड़ देंगे, 50 प्लस अंतर का योग, ठीक, 50 प्लस अंतर का योग, मतलब कि 6 और 12, तो अंतर का योग जब निकालेंगे तब देखिए कैसे निकलेगा, अंतर का योग, तो अंतर का योग कैसे निकालेंगे कि जो हमारा अंतर दिया गया है -6 और 12, इसका जब योग करेंगे तो -6 और +12, यानी कि आ जाएगा हमारा +6। तो जो हमारा छठा परिणाम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 50 + 6 = 56, यही आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योग
240 है, तो पांच संख्या का योग दिया है, पांच संख्या का योग दिया कितना 240। तो अगर हम औसत निकालेंगे तो औसत क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि हमको पता है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये हो जाएगा 240 बटे 5 बराबर 5 20, 5 8 40, यानी कि पांच संख्याओं का औसत कितना आ गया 48 आ गया। तो हमको दिया गया है कि पांच संख्या दी गई है और इसका औसत जो है वो कितना दिया गया है 48 दिया गया है। अब इसको किसमें बांटा गया है ये देखिए, लिखा है कि प्रथम दो और अंतिम दो, यानी कि प्रथम दो में बांटा गया फिर अंतिम दो में बांटा गया, तो प्रथम दो का औसत 30 है और अंतिम दो का औसत 70 है। ठीक, प्रथम दो का औसत 30, अंतिम दो का औसत 70 है, तो हमको क्या निकालना है तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो सबसे पहले इतना कर लेंगे, अब हम 30 में से पहले 48 घटाएंगे, तो 30 में से 48 चूंकि कम में से ज्यादा घटा रहे इसलिए माइनस चिन्ह लिखा जाएगा, तो माइनस, और 30 में से 48 जब घटाया जाएगा तो आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 × 36 यानी कि -36। फिर उसी तरह इधर 70 में से 48 घटाना है, 70 में से जब 48 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22। ठीक, 70 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो हो जाएगा 22 × 44। अब हमने क्या कहा कि अंतर का योग निकालेंगे, तो अंतर का योग कितना हो जाएगा देखिए -36 और +44, तो -36 + 44 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसका मतलब कि कौन सा परिमाण निकालना है, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या बराबर जो औसत दिया गया है, औसत कितना निकाले हम 48, तो 48 और प्लस होगा कि माइनस, देखिए क्योंकि हमको पता है एक मिनट रुक जाइए, दो और दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये दो और दो जोड़े 4 आ गया, यहाँ 5 है, इसका मतलब कि इसका योग इससे कम है। तो हमने बताया कि अगर योग जो है उससे कम रहेगा, इसका योग इससे कम रहेगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर इसका योग इससे ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे जैसे कि ऊपर वाले में किए, तो इसका जो है -8, तो ये बराबर हो जाएगा 40, यही आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं, अगर आया हो तो यस टाइप कीजिए जल्दी से। अगर इसका योग यानी कि 2 और 2 = 4 जो तोड़ा गया है, अगर तोड़ने का योग बराबर या उससे बड़ा हो जाए किससे, जो हमारा टोटल है तो उसका जो है अगर बड़ा हो जाएगा तो प्लस और छोटा हो जाएगा तो माइनस। जैसे 10 संख्या का औसत 30 है, ठीक, चलिए इसी नियम का एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं कि इसी नियम का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं लिखा है 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत 70 हो तो सातवीं संख्या बताइए। हमको दिया गया है 13 संख्या का जो औसत दिया गया है कितना दिया गया है 68। तो हमने बताया कि जो दिया गया है ऐसे पहले बना लीजिए, प्रथम 7 और अंतिम 7, तो इसको दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है 7 × 7 = 14 और यहाँ कितना है 13, तो 13 से ज्यादा है ना, अगर ज्यादा रहेगा इसका मतलब कि सातवीं संख्या जो होगी जो औसत है कितना 68, 68 से ज्यादा रहेगा। 68 से ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि 7 × 7 = 14 जो है ये 13 से ज्यादा है, तो प्रथम 7 का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत 70 है, तो 63 में से 68 यानी कि इसमें से इसको घटाना है, 63 में से 68 जब घटाएंगे तो -5 आ जाएगा यानी कि 7 × 5 = 35, -35 आ गया हमारा। उसके बाद फिर 70 में से 68 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 7 × 14 आ जाएगा हमारा। फिर अंतर क्या हो जाएगा,
अंतर का योग, अंतर का योग, तो अंतर का योग देखिए कितना रहा है माइनस 35 और प्लस 14, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 और 2, यानी कि माइनस 21 आ गया। इसका मतलब कि जो सातवीं संख्या है वो 68 में जोड़ दिया जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा माइनस 21, तो जो सातवीं संख्या है ये हो जाएगी 68 और प्लस माइनस 21, तो 68 माइनस 21 अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 47। तो जो सातवीं संख्या हमारी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से यस टाइप करें। अगला, 10 संख्या का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर हमको किसी संख्याओं का औसत दिया गया है और अगर प्रत्येक संख्या में कुछ परिवर्तन किया जाए तो औसत में भी वही परिवर्तन हो जाता है। अगर 10 संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो औसत क्या होगा, तो औसत में भी 2 जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक संख्या का औसत 10 है, प्रत्येक में 2 से गुणा किया जाता है तो औसत में भी 2 से गुणा कर दिया जाएगा। प्रत्येक संख्या का औसत इतना है, प्रत्येक में 2 से भाग दिया जाता है तो औसत में भी 2 से भाग दे दिया जाएगा। तो चूंकि हमको बता रहा है कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्या का औसत कितना है 30, और बता रहा है कि प्रत्येक में 2 से गुणा किया गया, तो प्रत्येक में गुणा किया गया कितने से 2 से, तो नया औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रत्येक संख्या में चाहे गुणा किया जाए, चाहे प्रत्येक संख्या में भाग दिया जाए, चाहे प्रत्येक संख्या में हमारा जोड़ा जाए और चाहे प्रत्येक संख्या में घटाया जाए, तो अगर प्रत्येक संख्या में कुछ होगा तो वही सेम चीज हमारा औसत में भी हो जाएगा। तो चूंकि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जा रहा है, इसीलिए जब नया औसत निकालेंगे तो औसत में भी 2 से गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा 60। अगर अभी यही क्वेश्चन रहता कह दिया जाता कि 12 संख्याओं का औसत 50 है और यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो याद रखिएगा, तो नया औसत क्या होगा, तो अगर भाग दिया जाएगा तब देखिए कितनी संख्या है, 12 संख्या का औसत कितना है और 50 है, अब प्रत्येक में भाग दिया जा रहा है कितने से 5 से, तो जो नया औसत जो होगा वो हमारा ये भी औसत में भी 5 से भाग दे दिया जाएगा अर्थात 10 आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर प्रत्येक संख्या में कुछ किया जाए, चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, तो वही चीज हमारा औसत में भी हो जाता है, जैसा कि आपने देखा। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला नियम है कि 5 संख्या का औसत 20 है, अगली 4 संख्या शामिल करने पर नया औसत क्या होगा। अब जो अगला टाइप है हमारा वो है कि जैसे इसमें अगर अगली संख्या शामिल की जाए या पिछली संख्या हटाई जाए या पिछली संख्या शामिल की जाए या अगली संख्या हटाई जाए तो उसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मैंने जो सूत्र और ट्रिक है वो हमने पहले वीडियो में अपने दिया है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पीछे जाइए पहला पार्ट देखिए, उसके बाद तब आइए आप दूसरा पार्ट देखिए। लिखा है 5 संख्याओं का औसत 20 है, 4 संख्या और शामिल कर ली गई, अगली 4 संख्या और शामिल कर ली गई तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत बराबर हमने कहा कि सबसे पहले जो औसत दिया है वही लिख लो, उसके बाद अगर हमारा अगली संख्या शामिल की गई, अगली संख्या का मतलब अगली संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 है कह दिया गया, अगली संख्या शामिल की गई 5 और 6, तो इसका मतलब बड़ी संख्या शामिल की जाएगी और अगर बड़ी संख्या शामिल की जाएगी तो जो औसत होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, जो औसत होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और औसत बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा कितनी संख्या 20 प्लस
चार बटे दो, जितनी संख्या शामिल की जाएगी उतना बटे दो, यानी कि 20 प्लस 4 बटे 2 मतलब 2 बराबर 22 ही आ जाएगा आंसर। अगर आपको नहीं समझ पाया है तो पीछे पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए। पहले वीडियो में मैंने सूत्र का पूरा बताया था। फिर पांच संख्याओं का औसत 30 है, दो संख्या छोड़ने पर औसत क्या होगा, यानी कि नया औसत बराबर 20 है, अगली दो संख्या छोड़ दी जा रही है, मतलब चार अगर मान लीजिए 2, 3, 4 है तो अंतिम वाली संख्या यानी 3 और 4 छोड़ दी गई, तो अगर छोड़ दोगे तो औसत जो होगा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसीलिए माइनस, और कितनी संख्या छोड़ी गई 2, तो 2/2 यानी कि 20 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 19, यही आ जाएगा हमारा आंसर। न समझ में आया फिर कहूंगा कि पीछे जाइए, पहला वीडियो देखिए फिर दूसरे पाइए। लिखा है 10 संख्याओं का औसत 40 है, पिछली 6 संख्या शामिल कर दी गई तो औसत क्या होगा, तो नया औसत बराबर 40 तो है ही है। अब देखिए पिछली संख्या शामिल की जा रही है, मतलब अगर 1, 2, 3, 4 लिखा है कहीं, अब पिछली संख्या मतलब -1, -2, तो इधर की जो संख्या जुड़ेगी वो माइनस में जुड़ेगी, अर्थात औसत कम हो जाएगा हमारा, औसत कम हो जाएगा -6/2, यानी कि 40 - 2 यानी 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 40 में से 3 घटा देंगे हम 37 आ जाएगा आंसर। जैसे अगला है 10 संख्याओं का औसत 25 है, पिछली 4 संख्या छोड़ने पर नया औसत क्या हो जाएगा, तो पिछली 4 संख्या छोड़ने पर तो समझिए नया औसत 25 तो है ही है, लिखेंगे पिछली 4 संख्या छोड़ दी गई, मतलब अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और कह दिया गया पिछली मान लीजिए 2 संख्या छोड़ दी गई, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जो छोटी संख्या है वो हमारी कम हो गई, छोटी संख्या कम होगी तो औसत बढ़ जाएगा, अर्थात प्लस और कितनी 4, 4/2 अर्थात 25 + 2 तो बराबर 25 + 2 यानी कि 27, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये चीज है, अगर आपको ये नियम समझने में दिक्कत हुई हो तो आप पीछे जाइए, पहला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। होमवर्क आप लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप 3 नहीं 2 लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ठीक, लिखा है 12 संख्याओं का औसत 48 है और पिछली छह संख्या शामिल करने पर औसत क्या होगा, ये है हमारा 21 नंबर और ये होगा हमारा 22 नंबर, कि 5 संख्याओं का औसत यहां पे हम लिखेंगे 9 संख्याओं का औसत 48 है और अगली 6 संख्या शामिल करने पर नया औसत क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन 21 नंबर और 22 नंबर आप सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने यार मित्र दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आके हमसे जुड़ जाएं।